जय जनेंद्र, पर्युषण महापर्व का स्वागत करते जैना प्रस्तुत करती है डॉक्टर धर्मचंद जैन के दैनिक प्रवचन। धर्मचंद जी जैन स्कॉलर हैं, जोधपुर की जयनारायण व्यास कॉलेज में संस्कृत विभाग के वो डीन रह चुके हैं और निवृत्त होने के बाद अब जयपुर में रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं धर्मचंद जी जैन। अनंत विज्ञानमतीत दोष मबाध्य सिद्धांतमर्त्य पूज्यम श्रीवर्धमानं जिनमाप्तमुख्यं स्वयं भुवं स्तोतुमहं यतिष्ये स्वयं भुवं स्तोतुमहं यतिष्ये। जेना के द्वारा प्रायोजित इस पर्युषण व्याख्यान माला का आज पंचम दिवस है। आज 28 अगस्त है। जेना के प्रेसिडेंट हरीश भाई शाह और इस व्याख्यानमाला के संयोजक दिलीप वी शाह और सेक्रेटरी अतुल भाई शाह के साथ आप सभी का अभिवादन करता हूं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराध्यन सूत्र की एक पंक्ति है, सज्जायम मी रवो सया, सदा स्वाध्याय में रत रहे। कौन? एक साधु। साधु के लिए कहा गया निद्दम च बहु न बहु मन्नेज्जा सप्पहासम च विभज्जये। निद्रा को बहुत महत्व नहीं दे। निद्रा तो सबके लिए आवश्यक है, लेकिन साधु के लिए कहा गया कि निद्रा को अधिक महत्व नहीं दे। निद्रा में न रहे, द्रव्य निद्रा में भी न रहे और भाव निद्रा में भी न रहे। सप्पहासम च विभज्जये, और जो हंसी मजाक है, हंसी चिठोली है, उसका वर्जन करे, उसका निषेध करे। इसके साथ ही मिहो कहा इम न रमे, आपस में बातचीत में रमण नहीं करे, बातचीत में ही रह जाए परस्पर साधु एक दूसरे से। सज्जायम्मी रवो सया, स्वादा स्वाध्याय में रत रहे। तो स्वाध्याय में रत रहने की शिक्षा दी गई है उत्तराध्यन सूत्र के 11वें अध्ययन में। ये बात तो आज हम चर्चा में लाएंगे कि स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वाध्याय, स्वाध्याय का ऐसा क्या महत्व है जो साधु को उसमें रत रहने के लिए कहा गया है। और यही नहीं, साधु की दिनचर्या का जब वर्णन आता है 26वें अध्ययन में इसी उत्तराध्यन सूत्र में, तो वहां कहा गया है पढ़म पोरी सीम सज्जायम दिए झाणम झिया। पहले प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान करे, तीसरे में भिक्षाचर्या के लिए जाए और चौथे में फिर स्वाध्याय करे। तो चार प्रहर के दिन में दो प्रहर तो स्वाध्याय के लिए ही बताई गई है दिनचर्या में, यानी 12 घंटे में से 6 घंटे तो स्वाध्याय करे। रात्रि में भी यही बात कही गई, पढ़म पोर इसी सज्जायम दिए झाणम झियाई, पहले प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान करे और तीसरे प्रहर में निद्दमुखम निद्रा से मुक्ति ले, 3 घंटे की नींद ले एक प्रहर की, और चौथे में फिर स्वाध्याय करे। तो इस तरह से दिन और रात में आधे समय तो स्वाध्याय का प्रावधान दिया गया एक साधु के लिए। साधु के लिए ही स्वाध्याय आवश्यक है क्या, और श्रावक के लिए या हम गृहस्थों के लिए नहीं है क्या? तो आचार्यों ने गृहस्थों के लिए भी स्वाध्याय को अनिवार्य बताया है। गृहस्थों के षट कर्म बताए गए हैं, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम स्तप दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन 6 प्रकार के कर्म एक गृहस्थ के होते हैं। देव पूजा, पहली बात तो देव भक्ति करे, अरिहंत देव भक्ति, सिद्ध देव भक्ति, या जिनको वो वर्धमान महावीर या ऋषभ देव 24 तीर्थंकर आदि हैं, वो सब देव हैं, उन देवों की भक्ति करे,
भक्ति वो दोनों प्रकार से कर सकता है, मंदिर में जाकर कर सकता है, स्तुति करके भी भक्ति कर सकता है और प्रार्थना करके भी भक्ति कर सकता है, स्तोत्र बोल के भक्ति कर सकता है और मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव से भी भक्ति कर सकता है। बिना श्रद्धा भाव के तो कुछ होता नहीं है। तो श्रद्धा पूर्वक चाहे वह पूजा करे, चाहे वह स्तोत्र बोले, चाहे स्तुति करे या प्रार्थना करे, उन सबके माध्यम से वह उनकी पूजा कर सकता है। तो देव पूजा ये एक प्रथम कर्तव्य बताया, क्योंकि देवों की शरण लेने की बात कही गई है। चार प्रकार की शरण जैन दर्शन में प्रेस्क्राइब्ड है कि हम चार की शरण ही उत्तम शरण है। अरिहंतों की शरण, सिद्धों की शरण, साधुओं की शरण और केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण। तो देव पूजा पहली शरण है। दूसरा कहा गुरु उपास्ति, गुरु की उपासना करें। तो गुरु की उपासना करते गुरु के समीप बैठ करके और उनसे ज्ञान प्राप्ति करें, उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना प्रकट करें। उपासना तीन प्रकार से होती है, मन से भी होती है, वचन से भी होती है और काया से भी होती है। तीन प्रकार से उपासना होती है। तो गुरु की उपासना कैसे की जाए कि वो उनके पास बैठकर मन को एकाग्र रखना, ये उनकी पहली उपासना है। मन से उपासना, उनके प्रति श्रद्धा भाव पूर्वक एकाग्र मन से बैठना, ये गुरु उपासिका यानी गुरु उपासना का प्रथम चरण है। फिर वो जो कहते हैं वचन, वो जो उपदेश देते हैं उसको स्वीकार करना, उसके बारे में श्रद्धा भाव से उसको सुनना और सुनकर उसमें अगर कोई पृच्छा है, प्रश्न है, जिज्ञासा है तो वो रखा जा सकता है, लेकिन उसको स्वीकार करना, श्रद्धा पूर्वक उसको सुनना और उसको ग्रहण करना कि वो क्या कह रहे हैं, उसको ठीक ठीक समझना, ये दूसरी उपासना हुई। और तीसरी काया की भी स्थिरता रखे, ये तीसरी उपासना है, काया की उपासना। इस तरह से इन तीनों उपासनाओं के साथ गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया जाए। दो बात हुई। तीसरा कर्तव्य है स्वाध्याय। स्वाध्याय करे, स्वयं अपना अध्ययन करे। स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये छह कर्म प्रत्येक गृहस्थ के लिए प्रतिदिन करने योग्य बताए गए हैं। और ये जैन परंपरा में दोनों स्थानों पर है, दिगंबर में भी है और श्वेतांबर में भी है। तो सभी गृहस्थों के लिए ये षट कर्मों की रचना आचार्यों के द्वारा की गई कि वो स्वाध्याय आदि करें। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि भगवान महावीर के समय में स्वाध्याय नहीं होता था गृहस्थों के द्वारा, उस समय भी होता था। तुंगियापुरी के श्रावकों का वर्णन आता है भगवती सूत्र में, जो तुंगियापुरी के श्रावक बड़े तत्वज्ञ श्रावक थे। उनका शास्त्रार्थ होता है पार्श्वनाथ की परंपरा के साधुओं से, उसके बाद भगवान महावीर के भी शिष्यों से, गौतम गणधर आदि के पास वो जाते हैं। उनको इससे पता लगता है कि उनको तत्व ज्ञान था। और भी ऐसे श्रावक, आनंद आदि श्रावकों के बारे में भी जब वर्णन आता है तो उनको जीवा जीवा भिग जीवा जीव के जो ज्ञाता है, जीवा जीवा भिज्ञ थे वो, जीव और अजीव तत्वों को जानने वाले थे। तो जीव और अजीव तत्वों को जानने के साथ ही कहा जा सकता है कि उन नौ तत्वों के ज्ञाता थे। तो वो सभी पूरी तरह से तत्वज्ञ श्रावक थे और तत्वज्ञ श्रावक होने पर ही कोई साधना में आगे बढ़ सकता है। और स्वाध्याय उसका बहुत बड़ा साधन है। दो साधन हो सकते हैं, या तो हम गुरु के समीप बैठ करके और सुने, वो भी एक स्वाध्याय का ही अंग है, और एक स्वयं अध्ययन करें, वो स्वाध्याय। ये दो प्रकार का स्वाध्याय हो सकता है, क्योंकि स्वयं अध्ययन करने के लिए आजकल तो हमको आगम पुस्तकाकार रूप में उपलब्ध है और दूसरा भी सत साहित्य उपलब्ध है, उसको हम स्वयं पढ़ सकते हैं, स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका चिंतन मनन कर सकते हैं। तो ये हम उसको भी स्वाध्याय की कोटि में लेंगे। और जो उपदेश सुनते हैं तो वो श्रवण भी एक प्रकार का स्वाध्याय होता है। भगवान जो कहते हैं, जिन्होंने डायरेक्ट भगवान की वाणी सुनी है उन्होंने उसका स्वाध्याय किया है। और अब जो आगम है उनकी वाचना होती है तो वाचना को सुनना भी स्वाध्याय है। तो ये स्वाध्याय से हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं और तत्व ज्ञान को प्राप्त करके अपने में सुधार कर सकते हैं, अपनी विचारधारा में सुधार ला सकते हैं। स्वाध्याय का जो सबसे बड़ा सुफल है वह अपनी विचारधारा को कहीं विकृति है, कहीं संदेह है, कहीं भ्रांतियां हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं। हम कई बार गलत सोचते हैं, गलत मान्यता बना लेते हैं, उन मान्यताओं का निराकरण स्वाध्याय के माध्यम से हो सकता है, इसलिए स्वाध्याय किया जाना चाहिए। वैसे स्वाध्याय शब्द का प्रयोग आभ्यंतर तप के लिए हुआ है। अभ्यंतर तप के जो छह भेद हैं उन छह भेदों में एक भेद स्वाध्याय भी है।
तो ये भी तप है। स्वाध्याय कोई मामूली तत्व नहीं है, स्वाध्याय को तप की श्रेणी में रखा गया है। और तप जहां होता है वह तो आत्मविशुद्धि का हेतु बनता ही है। तो हम दोनों प्रकार से स्वाध्याय को समझेंगे, एक तो तप के रूप में, अभ्यंतर तप के रूप में, और दूसरा जो हम ज्ञान प्राप्ति के रूप में स्वाध्याय करते हैं वह भी एक प्रकार का तप ही है। क्योंकि बिना साधना के हम स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें एकाग्रता चाहिए चित्त की। हमारा चित्त अगर भटकता है, पुस्तक में आगम में चित्त नहीं लगता है, तो स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। तो बड़ी साधना के साथ ही एकाग्रता होने पर ही हम उसका अभिप्राय समझ सकते हैं, उसके अर्थ को ठीक से ग्रहण कर सकते हैं। और ठीक से ग्रहण करने के लिए भी हमारी पहले से कोई भ्रांत धारणा नहीं होनी चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। जो सत्य है उसको समझने की दृष्टि होनी चाहिए, तभी हम उसका अभिप्राय को ठीक से समझ सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे। तो स्वाध्याय का हम जो आभ्यंतर तप के रूप में मीनिंग दिया गया, उसका अगर हम अर्थ समझे तो व्युत्पत्ति के अनुसार ये हो सकता है कि स्वेन स्वस्य स्वस्मय अध्ययनम स्वाध्याय, स्वयं के द्वारा स्वयं का स्वयं के लिए अध्ययन स्वाध्याय है। स्वयं अपना, स्वयं आत्मा, स्वयं हम निज जो आत्मा रूप हैं, चेतन रूप हैं, हम कॉन्शियस वाले हैं, तो हम स्वयं अपना अध्ययन करें और अपने द्वारा करें, अपने लिए करें, अपने द्वारा अपने लिए अपना अध्ययन करें, ये स्वाध्याय है। तो अपना अध्ययन करने के लिए तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, और अंतर्मुखी होंगे तो वो स्वाध्याय तप बन जाएगा। वह अपने दोषों को, अपने विशेषताओं को देखने का अवसर देगा और उनको निकालने के निर्णय हम कर पाएंगे। और दूसरा, जिसको हम सत साहित्य का स्वाध्याय कहें, आगम का स्वाध्याय कहें, वाचनी कहें, तो वह होगा सु उपसर्ग आंग उपसर्ग पूर्वक अध्याय। यानी स्वाध्याय क्या हुआ, सुष्ठु यानी अच्छे ढंग से मर्यादा पूर्वक जो हम अध्ययन करते हैं वो स्वाध्याय है। तो मर्यादा पूर्वक अध्ययन का ये अर्थ है कि ऐसे साहित्य का अध्ययन नहीं करना चाहिए जिससे कुत्सित भावनाओं को भड़कने में निमित्त बने, या जो राग द्वेष को बढ़ाने में निमित्त बने, या काम वासनाओं को भड़काने में निमित्त बने, ऐसे साहित्य का अध्ययन स्वाध्याय की कोटि में नहीं आएगा। स्वाध्याय की कोटि में वो शास्त्र या वो सत साहित्य होगा जो हमारी समझ को ठीक करने वाला हो, जो हमको हमारे चिंतन के विकारों को और भीतर में विद्यमान राग द्वेष आदि विकारों को, क्रोध आदि विकारों को दूर करने में जो सहयोगी बने, वह स्वाध्याय, उस साहित्य का स्वाध्याय सही स्वाध्याय कहलाएगा, सत साहित्य का स्वाध्याय। तो इस दृष्टि से हम ये भी निर्णय कर सकते हैं कि हर एक पुस्तक का अध्ययन करना स्वाध्याय नहीं होगा। जो हमारे जीवन निर्माण में सहयोगी बनता है, जो हमारे जीवन के परिष्कार में सहयोगी बनता है, उस साहित्य का अध्ययन करना ही स्वाध्याय की कोटि में आएगा। तो दो तरह से स्वाध्याय हो गया, एक तो साहित्य का अध्ययन करना या आगमों का अध्ययन करना, और दूसरा स्वयं का अध्ययन करना। तो दोनों तरह से हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। इसके पहले जो बच्चे पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं स्कूल में, तो वो भी अध्ययन करते हैं, वो अपने विषयों का अध्ययन करते हैं, पर वो स्वाध्याय की कोटि में आएगा कि नहीं, वो जानकारी तो करते हैं, पर वह अध्ययन यदि उनके आत्म परिष्कार के लिए है, उनकी समझ को ठीक करने के लिए, तो वो भी स्वाध्याय की कोटि में आ सकता है। जैसे वैल्यू एजुकेशन जो दी जाती है या मॉरल एजुकेशन दी जाती है, वो भी स्वाध्याय की कोटि में आ सकता है। कई कहानियों का इस तरह का निर्माण हुआ है, जो जीवन का निर्माण करने वाली कहानियां, उनका अध्ययन भी स्वाध्याय की कोटि में आ सकता है। लेकिन केवल अन्य विषयों की जानकारी हो जाना और अपना कोई परिष्कार न होना, केवल बौद्धिक विकास मात्र होना और वृत्ति का या कहें दृष्टि का विकास न होना, सही गलत का भान न होना, कैसा व्यवहार हम करें, कैसी दृष्टि रखें जीव जगत के प्रति, इसका विकास न हो, तो वह स्वाध्याय की कोटि में नहीं आएगा। तो एक आचार्य हुए, आचार्य हस्तिमल जी महाराज, उन्होंने स्वाध्याय को बहुत ही कहें कि बहुत प्रचारित किया, स्वाध्याय के महत्व को स्थापित किया। वो कहते हैं कि दो प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, एक होती है जीवन निर्वाहकारी शिक्षा और दूसरी होती है जीवन निर्माणकारी शिक्षा। तो जीवन निर्माणकारी शिक्षा वो स्वाध्याय है
और जीवन का निर्वाह करने के लिए जो शिक्षा प्राप्त की जाती है विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, या जो भी इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनमें जो हम अध्ययन करते हैं वह जीवन निर्वाह की दृष्टि से करते हैं। तो जीवन का निर्वाह कैसे करना, इस पर तो माता पिता का बहुत ध्यान केंद्रित होता है कि हमारा पुत्र अच्छी शिक्षा प्राप्त करे ताकि वो अच्छी आजीविका प्रारंभ कर सके, अच्छी आजीविका के साथ जीवन यापन कर सके, चिंता से रहित हो सके आजीविका के संबंध में, इसका तो सबको ध्यान रहता है। लेकिन उसका जीवन निर्माण कैसे होगा, और जीवन निर्माण अगर होता है तो वह माता पिता के साथ भी सदैव या परिवारजनों के साथ भी सदैव बहुत ही सुंदर व्यवहार कर सकता है। केवल आजीविका जीवन का निर्माण नहीं करती, आजीविका आजीविका तक सीमित रखती है, लेकिन उसमें अगर संस्कार बन जाते हैं तो जीवन निर्वाहकारी, जीवन निर्माणकारी शिक्षा वो संस्कार का आरोपण करने वाली शिक्षा है। संस्कार उसमें अच्छे होते हैं, सोच अच्छा होता है, तो वह शिक्षा अनिवार्य है और वो स्वाध्याय से हो सकती है। सत्साहित्य का स्वाध्याय करने से, आगम का स्वाध्याय करने से जीवन निर्माणकारी शिक्षा हो सकती है। तो इस जीवन निर्माणकारी शिक्षा की आज उपेक्षा सी हो गई है, बहुत कम ध्यान उसका शिक्षा नीति में दिया जाता है, लेकिन अब कहीं कहीं उसको स्थान दिया जा रहा है। तो ये बड़ा शुभ संकेत होगा कि अगर वह छात्र प्रारंभ से ही इस बात की ट्रेनिंग ले ले कि मुझे जीना कैसे है, किस किस प्रकार की परिस्थितियां आती है, मुझे इसमें कैसे धैर्य रखना है, किस किस प्रकार के कष्ट आते हैं, उनमें मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। जो ज्यादा सुख सुविधा में जीते हैं उन पर जब थोड़ा भी कष्ट आता है तो बहुत विचलित हो जाते हैं, थोड़ी गर्मी सहन नहीं कर सकते, अधिक सर्दी सहन नहीं कर सकते, वो किसी की गाली नहीं सुन सकते, वो किसी का अपना कहना कोई नहीं माने तो उसको सहन नहीं कर सकते, उनकी बहुत ही डेलिकेट अवस्था होती है। तो केवल सुख सुविधाओं में जीने से जीवन का निर्माण नहीं होता है, जीवन का निर्माण तपने से होता है। जो जितना तपता है, भीतर से तपता है, परिस्थितियों में अपने को बनाए रखने की कोशिश करता है, अपने को उससे बल मिलता है, शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो हर बात में अपने को असमर्थ महसूस करता है तो उसमें शक्ति नहीं है, बल नहीं है। बल कैसे बढ़ेगा, मनोबल कैसे बढ़ेगा? मनोबल जीवन निर्माणकारी शिक्षा से बढ़ेगा, स्वाध्याय से बढ़ेगा। और यही नहीं, उन्होंने आचार्य हस्ती ने तो प्रभु के चरणों में पहुंचने के लिए भी स्वाध्याय को माध्यम बताया है। स्वाध्याय प्रभु के चरणों में पहुंचाने का साधन जानो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। जिन राज भजो सब दोष तजो, अब सूत्रों का स्वाध्याय करो। मन के अज्ञान को दूर करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। प्रभु के चरणों में पहुंचना है तो भी स्वाध्याय करो। बोलिए, इससे प्रभु के चरणों में कैसे पहुंचा जाएगा? कि प्रभु की विशेषताओं को हम जानेंगे ठीक से स्वाध्याय करने से, और जो प्रभु में विशेषता है उनको प्राप्त करने के लिए भी हम तत्पर होंगे। क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं वो प्रभु तो उनके जैसा बनाने में समर्थ हैं, वो हमको केवल ऐसा भक्त नहीं बनाते कि उनके हम दास बनकर रह जाएं और हमारी स्थिति वैसी ही निर्धनता की रहे। वो तो उनकी कृपा इतनी होती है कि वो अपने जैसा बनाने में समर्थ हैं, यदि भी वो करते नहीं है, लेकिन उनके प्रति जो भक्ति भाव उत्पन्न होता है वो मनुष्य को उस प्रकार से निर्मित कर देता है कि उसमें उस प्रकार से भावनाएं पैदा हो जाती कि मैं भी उनके जैसा बन सकूं, और इसी की प्रार्थनाएं भी होती रहती हैं। तो स्वाध्याय हमारे जो अज्ञान का अंधेरा है उसको दूर करने वाला होता है, भीतर से प्रकाश की ज्योति को जलाने वाला होता है, और यह हमारी जो अंध मान्यताएं हैं, अंधविश्वास हैं, उनको दूर करने में समर्थ है स्वाध्याय, बहुत सारी भ्रांतियों का निराकरण करने में समर्थ है स्वाध्याय। इसलिए स्वाध्याय किया जाना चाहिए, सत्साहित्य का स्वाध्याय किया जाना चाहिए। जिसको जो रुचिकर हो, कोई आगम का स्वाध्याय करने में अगर रुचि रखता है तो उसको आगम का स्वाध्याय करना चाहिए। आगम में भी वो चयनित आगमों का स्वाध्याय करे प्रारंभ में, ताकि उसको समझ में आ सके, और जहां समझ में नहीं आए तो जरूर अपने से अधिक विशेषज्ञों का आलंबन ले, या किसी गुरुजनों का, साधु साध्वी का आलंबन ले। जहां ये नहीं मिलता है तो अपने से अधिक जानने वालों से जरूर पृच्छा करे, क्योंकि एक बार अगर गलत समझ लिया है, गलत धारणा बन गई है,
तो वह भी खतरनाक हो जाती है। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ में और जितना हमको ग्रहण होता है, जितना समझ में आता है उसको स्वीकार करें, न समझ में आता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह भले ही रख सकते हैं, लेकिन उसको हम उसकी हम निंदा न करें, उसकी हम गलत अपने आप को सर्वज्ञ समझ करके और उसको इस रूप में न समझें कि ये गलत कहा गया है या बिल्कुल ठीक नहीं कहा गया है। प्रारंभ में अगर इस तरह की बात हम सोचने लगेंगे अल्प बुद्धि से तो वो न्याय नहीं होगा। एक कवि हुए भर्तृहरि, भर्तृहरि कहते हैं, यदा किंचित् जोहम द्विपैव मदांध समभवम्। जब मैं थोड़ा जानता था तो हाथी के तरह से मदांध हो गया, अपने मद में नशे में चूर हो गया, अहंकार के नशे में चूर हो गया। थोड़ा जानता हूं लेकिन मैं तो बहुत जानता हूं। जिनको अल्प ज्ञान है उनको ज्यादा अहंकार होता है, जिनको ज्यादा ज्ञान होता है उनको अहंकार नहीं होता, अल्प ज्ञान वालों को अधिक अहंकार होता है। तो थोड़ा जानने पर इस तरह की बात होती है, फिर कैसे समझता अपने को, तदा सर्वज्ञोऽस्मीति, मैं अपने सर्वज्ञ हूं ऐसा समझने लगता है। लेकिन जब यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, जब कुछ जन जो बुद्धजन है ज्ञानी पुरुष है उनके पास से जब थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर क्या क्या बोध होता है, तदा मूर्खो, जब लगता है कि मैं तो मूर्ख हूं, मुझे अल्प ज्ञान है, और ज्वर इव मधु में व्यपगत, तो मेरा जो मद था वो जैसे बुखार उतरता है वैसे उतर गया, अब अहंकार का बुखार नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा जानने पर अल्प ज्ञान होने पर अहंकार चढ़ जाता है, ज्यादा ज्ञान होने पर तो अहंकार आएगा ही नहीं क्योंकि अहंकार मिट चुका होगा। और अधिक ज्ञान उसी को होगा जो विनयशील होगा, अहंकारी नहीं होगा, वही ज्ञानवान बन सकता है। और ज्ञान थोड़ा ज्ञान होने पर ही जिसको अहंकार आ गया, अपने आप को बहुत कुछ मान लिया, वो विनय उसका समाप्त हो जाता है, और विनय गया और ज्ञान धीरे धीरे चला जाएगा, वो ज्ञान केवल बोझा बनकर रह जाता है, वो आचरण में नहीं आ पाता है। ज्ञान तो वह है जो आचरण में भी आता है, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान्। वास्तव में विद्वान पुरुष वह है जो क्रियावान भी हो, आचरण में भी लाता हो, जो आचरण में लाता है उसका ज्ञान ज्ञान की कोटि में आता है, नहीं तो वो एक बोझा बनकर रह जाता है। जहां चंदन भारवाही, जैसे कि चंदन का भार कोई ढोता रहता, गधा, गधा चंदन का भार ढोता है लेकिन उसका महत्व नहीं समझता कि क्या महत्व है इसका, पर जो उसका महत्व समझता है तो वो उसको भार नहीं समझता, उसको समझता बड़ी मूल्यवान वस्तु को मैं लेकर जा रहा हूं। तो ऐसे ही ज्ञान बड़ा मूल्यवान है जो हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान कर देता है, अंधेरे से उजाले में ले आता है, और जो हमारी गलत धारणाओं को दूर कर देता है, उसका एक माध्यम स्वाध्याय है। वैसे ज्ञान प्राप्ति का साधन दो हम कह सकते हैं, एक तो सत्संग है जिसमें हम गुरु की चरणों में जाकर के प्राप्त करते हैं, और दूसरा स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय और सत्संग, इन दो के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और गुरु या कक्षाओं में भी हम इसको पढ़ सकते हैं, कई जगह पाठशालाएं चलती है। और मुझे ये जानकारी है कि जेना के द्वारा भी एजुकेशन के फील्ड में, धार्मिक एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम किया जा रहा है, छात्रों के लिए धार्मिक पाठशालाएं भी चलाई जाती हैं, उनके कोर्सेज बने हुए हैं और उनको खूब सिखाया जाता है, ये प्रशंसनीय कदम है। और ऐसे ही बड़ों के लिए भी कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, तो जेना का ये स्वाध्याय की दृष्टि से प्रशंसनीय कदम है, और ये जितना आगे बढ़ेगा ये पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, नई पीढ़ी विकृति के जाल में नहीं फंसेगी। नहीं तो जब उनको ये अगर फीडिंग ही ना होगी प्रारंभ में, तो विकृति आने का चांसेस ज्यादा रहता है, लेकिन प्रारंभ में कुछ बोध है तो फिर वो बच सकते हैं, उनको सही ज्ञान हो सकता है। तो ये प्रयास सभी जगह होता रहे, हर देश में हो, भारत में भी होता है पर सर्वत्र नहीं होता। और जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल साइंसेज में जाते हैं, वो इन वैल्यूज को बड़ी गौण कर देते हैं और भौतिक जगत को ही ज्यादा महत्व देते हैं, तो उससे उनकी वैल्यूज घट जाती हैं। पर वास्तव में जब स्वाध्याय से कोई अपने जीवन में प्रकाश पा लेता है तो उसका जीवन कुछ अलग ही ढंग का होता है। वैसे फिर इंजीनियर भी अलग प्रकार का जीवन जीते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ में, ऐसे फिर डॉक्टर्स भी ईमानदारी के साथ में जीते हैं, और
वो थोड़े में भी बड़े प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो स्वाध्याय के लिए आगम में बहुत चर्चा हुई है। वहां कहा गया है सज्जायण नाना वर्ण जम कम्बम खवाई। भगवान से पूछा गया 29वें अध्ययन में कि स्वाध्याय से क्या फल मिलता है, तो भगवान ने कहा कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है। जो स्वाध्याय करेगा तो ज्ञान तो होगा ही, उसको बोध तो होगा ही। तो स्वाध्याय करने के साथ, स्वाध्याय में मतलब वाचना तो होगी, स्वाध्याय के जो पांच भेद में वाचना पढ़ेगा, लेकिन पढ़ने के साथ भी ज्ञानावरण कर्म का क्षय करता है, लेकिन अनुपरीक्षा तक पहुंचता तो और क्षय करता है। तो स्वाध्याय और स्व का अध्ययन करता है तो भी ज्ञानावरण का क्षय करता है। तो ज्ञानावरण कर्म जिसके है वो अज्ञान बना रहता है, उसके ज्ञान ठीक से प्रकट नहीं होता और दृष्टि भी निर्मल नहीं बनती। तो दृष्टि की शुद्धि के लिए भी स्वाध्याय काम करता है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी स्वाध्याय काम करता है, क्योंकि दृष्टि की शुद्धि का मतलब है उसकी विचारधारा सम्यक बन जाती है और विचारधारा के आधार पर ही आचार खड़ा होता है। विचारधारा की नींव पर ही आचार का महल बनता है। तो विचारधारा जैसी जिस व्यक्ति की होती है वो वैसा ही जीवन जीता है। जिसकी भोगों की विचारधारा है और ये समझता है कि जितना हम जितना संग्रह करेंगे उतना हम सुखी रहेंगे, ऐसी विचारधारा वाला संग्रह में लगा रहता है। सुखी होता है कि नहीं ये नहीं पता चलता, लेकिन वो उस विचारधारा के पोषण में लगा रहता है। कोई समझता है कि मैं चोरी करके जितना, कर चोरी हो या अन्य को धोखा दे करके जितना जुटा सकता हूं, ऐसी धारणा वाला बन जाता है तो मैं सुखी रहूंगा, तो वो उस तरह का आचरण करता है। तो विचारधारा जिसकी जैसी होती है उसका जीवन वैसा होता है। हमारा जीवन भी उसी प्रकार का जैसा हमने विचारधारा बना रखी है। सबकी विचारधारा है, भले वो प्रकट रूप में है या अप्रकट रूप में, स्वयं को तो ज्ञात रहता ही है पर स्वयं भी उसमें मूल्यांकन नहीं कर पाता है। ऐसी ओघ संज्ञा और लोक संज्ञा में जीता रहता है। लोग जी रहे हैं वैसे, उनको देख करके जीता रहता है कि उसने ऐसा किया मैं ऐसा कर लूं, उसने ऐसा कर लिया उसको ऐसा लाभ हो गया मुझे भी हो जाएगा मैं वैसा कर लूं। स्वयं अपना विवेक लगा करके और अपनी दृष्टि बना करके चलने वाले लोग कम होते हैं, दूसरों को देखा देखी करने वाले ज्यादा होते हैं। तो दृष्टि तो होती है लेकिन दृष्टि केवल अनुकरण की दृष्टि होती है, या उसमें भी अनुकरण किसका किया जाएगा, जैसी जिसको जो बात अच्छी लगती है। जैसे कोई अगर अभिनेता का या कहें कि एक्टर्स जो होते हैं उनकी बातों पर रुचि रखता है तो उनका अनुकरण करता है। कोई बहुत अच्छा अपना मॉडल हो व्यापार आदि में तो उसका अनुकरण करता है। कोई कैसे धोखा देकर के आगे बढ़ा है तो उसका अनुकरण करता है। जिसमें जिसकी रुचि वो वैसा अनुकरण करके अपने जीवन को दिशा प्रदान करता है। तो स्वाध्याय से ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है। और एक ये भी कहा कि स्वाध्याय में जो नियुक्त होता है सज्जाय वा नियुक्तेण सब दुख विमुखणे, समस्त दुखों से मुक्ति पा लेता है। स्वाध्याय में जो अपने को लगा लेता है वो समस्त दुखों से मुक्ति पा लेता है। ये आगे तक की बात कह दी है, क्योंकि स्वाध्याय करने से उसको ज्ञान होगा, उसकी दृष्टि सम्यक बनेगी, आचरण सम्यक बनेगा, तो ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना कर लेगा तो मोक्ष का साधन बन जाएगा और मोक्ष तक पहुंच जाएगा, इसलिए सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो सब दुख विमोक्षणे 26वें अध्ययन में कहा उत्तराध्ययन के, तो समस्त दुखों का क्षय कर लेगा, मुक्ति हो जाएगी। दुख क्षय का भी साधन स्वाध्याय है, ये बातें स्पष्ट होती है। तो इसी तरह से और भी कहा कि स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, स्वाध्याय का कई प्रयोजन है, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए और बाह्य साहित्य का स्वाध्याय क्यों करना चाहिए। तो उसके कुछ लौकिक कारण भी हैं और कुछ आध्यात्मिक कारण भी हैं। तो लौकिक कारण की दृष्टि से कहा भाई संग्रह के लिए, इसमें कौन सा संग्रह हो गया, तो संग्रह ये कि जब भगवान की वाणी जो है, भगवान की वाणी क्या कहती है उसका संग्रह कर लें, उसको समझ लें, ये जो ज्ञान राशि है उसको एक बार हम जुटा लें, ये संग्रह करने के लिए कि क्या क्या बातें कही गई है उनको हम एक जगह कर सकें स्वाध्याय करके और उसके साथ फिर उसका उसमें अनुपेक्षा कर सकें, उसमें आगे बढ़ सकें, तो संग्रह के लिए। दूसरा कहा उपग्रह के लिए, उपकार करने के लिए, स्वयं का भी और दूसरों का भी। स्वयं अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, दूसरों का भी उपकार करेगा। जब अपने को ज्ञान होगा तो दूसरों में बांटा जा सकता है, तो दूसरों में बांटना भी
स्वाध्याय का एक प्रयोजन हो सकता है, स्वयं का ज्ञान होने के साथ बांटे, स्वयं जब उसमें आश्वस्त हो जाए तो दूसरों को भी बांट सकता है, तो उपग्रह के लिए भी वह स्वाध्याय करे। और तीसरा प्रयोजन बताया कि वह निर्जरा के लिए स्वाध्याय करे, निर्जरठाए निर्जरा के लिए स्वाध्याय, कर्मों की निर्जरा करने के लिए स्वाध्याय करे, ये बहुत बड़ा उद्देश्य हो गया, तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए भी स्वाध्याय किया जाए। तो तीन प्रयोजन तो ये हो गए, एक हो गया संग्रह के लिए, दूसरा हो गया उपग्रह के लिए, उपकार के लिए, और तीसरा हो गया निर्जरा के लिए। चौथा बताया गया कि अपने पर्यवों की शुद्धि के लिए, अपने जो ज्ञान के पर्यव हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, यानी अपने ज्ञान की जो पर्याय है वो शुद्ध हो जाएगी, जो अभी प्रदूषित है वो ठीक करने के लिए, क्योंकि उसमें कई भ्रांतियां हैं, कई संदेह है, वो ठीक हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, इसके लिए स्वाध्याय किया जाए। और पांचवा जो कारण बताया है कि जो स्वाध्याय की परंपरा है उसका विच्छेद नहीं हो, विच्छित्य नहीं हो, वो खत्म नहीं हो, समाप्त नहीं हो, इसके लिए भी स्वाध्याय किया जाना चाहिए। एक परंपरा चल रही है, स्वाध्याय हम करेंगे तो आगे की परंपरा में भी जाता रहेगा, चलता रहेगा, नहीं तो अगर हम बंद कर देंगे तो आगे कैसे जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा, हमने उसको नहीं सीखा तो आगे कैसे कोई सीखेगा। इसलिए वैदिकों में एक वाक्य प्रचलित है कि निष्कारणम षडंगो वेदो अध्योगेश्च, बिना कारण के यानी निष्काम भाव से, बिना प्रयोजन के भी षडंगो वेदो, छह अंगों सहित वेद का अध्ययन किया जाना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये एक वैदिक परंपरा में जो वाक्य कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि अगर हम वेदों को जानेंगे और छह वेदांगों को जानेंगे तो आगे तक वो परंपरा चलती रहेगी, हमने याद किया है, हमने समझा है तो आगे भी नई पीढ़ी को सौंप सकेंगे, इसलिए वो परंपरा का विच्छेद नहीं होना भी एक कारण बताया कि इस स्वाध्याय की परंपरा का विच्छेद नहीं हो, आगम की परंपरा का विच्छेद नहीं हो, इसके लिए भी स्वाध्याय किया जाना चाहिए। पांच कारण ये स्थानांक सूत्र में बताए हैं, इसी तरह से पांच और कारण वही स्थानांक सूत्र में बताए हैं, वहां कहा है ज्ञान के लिए नानठयाए, ज्ञान के लिए भी हमको ज्ञान करना है, इसके लिए स्वाध्याय किया जाना चाहिए। फिर दंशनठयाए, दर्शन की शुद्धि करने के लिए किया जाना चाहिए। तीसरा चरित्रठयाए, यानी चारित्र की शुद्धि के लिए भी किया जाना चाहिए। तो तीन उपाय हो गया, ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए, चारित्र के लिए। और दो और बातें बताई, एक तो ये कि मुझे यथार्थ का ज्ञान हो जाएगा, यथार्थ को जान लूंगा, क्या यथार्थ है, क्या सम्यक बात है, ये मुझे बोध हो जाएगा। सम्यकता का बोध करने के लिए, सम्यक उपाय जानने के लिए भी मुझे स्वाध्याय करना चाहिए। और एक बताया कदाग्रह से मुक्त होने के लिए, मैं दुराग्रह जो मैं रखता हूँ उस दुराग्रह से मुक्ति के लिए भी मुझे स्वाध्याय करना चाहिए। तो इस तरह से पांच और कारण बता दिए, तो 10 कारण बता दिए स्थानांक सूत्र में स्वाध्याय करने के। पर ये भी पर्याप्त नहीं है, एक कहा गया एक गाथा में, उत्तमठ गवेशयाए, उत्तम अर्थ के गवेषणा के लिए कि क्या सही अर्थ है, इसके लिए भी स्वाध्याय किया जाना चाहिए। अब देखो स्वाध्याय जो है वो तीन प्रकार से होता है, एक तो होता है सूत्र का स्वाध्याय, यानी आगम तीन प्रकार का है, आगम तीन प्रकार का है। और आगम किसको कहते हैं कि भगवान की जो वाणी है, अर्थ रूप वाणी, वो भी आगम है, उसको सूत्र रूप में जो गणधरों ने गूंथा है वो भी आगम है, और बाद में आचार्यों ने तदनुरूप उसको ध्यान में रखकर के बिना किसी विरोध के उस को गूंथा है तो वह भी आगम है। तो इस तरह से आगम के तीन भेद करते हैं, सुत्तागम यानी सूत्र रूप आगम, अर्थ रूप आगम और तदुभय आगम, दोनों को मिलाकर तदुभय आगम। तो इस तरह से तीन प्रकार का आगम होता है, सूत्रागम, अर्थागम, तदुभय आगम, तीन प्रकार का आगम होता है। तो तीन प्रकार के जो आगम के भेद हैं, उन आगम के भेदों को कोई केवल वाचन करता है सूत्र का ही, कोई केवल अर्थ को जानता है, और कोई दोनों को जानता है। तो तीन प्रकार से स्वाध्याय किया जा सकता है। तो इन तीन प्रकार के स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को किस तरह से लाभ होता है, तो स्वाध्याय के पांच भेद बताए गए हैं। हाँ, इन तीन प्रकार से करने से उत्तम अर्थ गवेषण हो जाता है, उत्तमठ गवेशयाए, अर्थ को जानेगा, उत्तम अर्थ इसका सही अर्थ क्या है, इसका बोध उसको हो जाएगा। तो उत्तम यानी उत्तम का मतलब श्रेष्ठ अर्थ क्या निकल रहा है,
मेरे जीवन में क्या उपयोगी अर्थ निकल रहा है जो किसी तरह से असंगत न हो, जिसमें कंसिस्टेंसी हो, ऐसा क्या अर्थ निकल रहा है, विसंगति नहीं हो किसी प्रकार से अर्थ में, उस परिप्रेक्ष्य में अर्थ की विसंगति नहीं हो और जीवन के साथ भी उसकी सत्यता हो, ऐसा अर्थ उत्तम अर्थ है। ऐसा उत्तम अर्थ का गवेषण स्वाध्याय के माध्यम से होता है। स्वाध्याय में जो जितना डूबता है उसको अर्थ उतना घटित होता रहता है। हम कई बार एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार पढ़कर समझते हैं मैंने तो अर्थ जान लिया, ऐसा नहीं है। दोबारा पढ़ने पर उसमें और गहराई से बात समझ में आती है, तीसरी बार पढ़ने पर और गहराई से बात समझ में आती है, कुछ बातें जो छूट गई थी वो तीसरी बार में समझ में आती है और कुछ बातें छूट गई तो चौथी बार पढ़ने पर समझ में आती है। हम बार बार उसको जितना स्वाध्याय करते हैं उतने ही उसमें गहरे उतरने का हमको अभ्यास हो जाता है, गहरे उतर सकते हैं, क्योंकि फिर आगे पीछे की बात को भी हम मिला मिला कर देखते हैं कि वहां ऐसा कहा था और यहाँ ऐसा कहा है कि नहीं, ये संगति नहीं बैठेगी, इस तरह का अर्थ होगा तो संगति बैठेगी। तो हम उसको टीकाओं में देख सकते हैं, उसको हम भाष्य में देख सकते हैं, जो व्याख्या साहित्य है निरुक्ति में देख सकते हैं, क्योंकि कभी क्या है जो अंग्रेजी अनुवाद है वो अंग्रेजी अनुवाद अल्प ज्ञान के आधार पर हो जाता है, हिंदी अनुवाद भी कभी कभी टीकाओं के आधार को लिए बिना हो जाता है, तो वहां विसंगतियां हो सकती हैं। और जिसकी जैसी भूमिका है वो वैसा अर्थ कर देता है, जिसका जैसे ज्ञान की भूमिका है, क्योंकि सब तो सर्वज्ञ नहीं होते, तो अंग्रेजी में जो अनुवाद है पहले से जो हो गए हैं उन अनुवादों में कई विसंगतियां हो सकती हैं, उनको हम बहुत आप्त पुरुष नहीं समझें, क्योंकि आप्त पुरुष तो हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे उन तीर्थंकरों की जो धारणा को समेटे हुए गुरुजन हैं वो आप्त पुरुष हो सकते हैं, पर जिनकी समझ भ्रांत है और या भ्रांति की ओर ले जाते हैं, जैसे वेदों का जो अर्थ किया विदेशी विद्वानों ने, कई भारतीय विद्वान उनसे सहमत नहीं है, ऐसे ही जो जैन आगमों के अर्थ याकोबी आदि के द्वारा किए गए हैं उनके अर्थ भी भ्रांत हो सकते हैं, उनके अर्थ से भी यहाँ अगर उसका अर्थ हमारे साधु संत पढ़ेंगे जानेंगे और विद्वान पढ़ेंगे जानेंगे तो ये विसंगतियां ध्यान में आएंगी कि ये किस तरह की विसंगतियां हैं, और उनको पढ़ करके आज विदेशी विद्वान जो जैन विद्वान कहलाते हैं वो उनको पढ़ करके और समझते हैं कि हमने बहुत सही अर्थ ग्रहण कर लिया है, वहां भी भ्रांतियां हो सकती है, पर उनका निवारण कौन करे, उसका सामर्थ्य जुटाने वाला और उस स्तर पर पहुंचने वाला व्यक्ति उनका निराकरण कर सकता है कि ये जो अर्थ किया गया है वो संगत अर्थ नहीं है, वो उसमें और पुनः सुधार की आवश्यकता है और ये संगति इस अर्थ से बैठती है। तो इस तरह की चिंतन मनन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए विदेशी विद्वानों के साथ भारतीय विद्वानों का। जब डायलॉग प्रारंभ हो इस तरह का तो हो सकता है कई भ्रांतियां दूर हो और समझ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्पष्ट हो जाए, पर इसमें निष्पक्ष तटस्थ धारणा बना करके चलने पर ये संभव है। पहले से पूर्वाग्रह रखने पर कदाग्रह रखने पर कहीं भी समस्या का समाधान निकलता नहीं है। सच्चाई को जो स्वीकार करने के लिए तैयार होता है वही सही अर्थ को ग्रहण कर पाता है। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र का वाक्य आज मैं और दोहरा देता हूं कि सत्य है सो मेरा है सो सत्य नहीं है। हर बात मैं मेरी होने से सच नहीं हो सकती, पर सच होगी तो मैं स्वीकार कर सकता हूं। तो स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए गए हैं। एक है वाचना, यानी वाचन करना, पढ़ना, रीडिंग करना ही एक वाचना है, ये एक भेद है। दूसरा भेद है पृच्छना, यानी प्रश्न करना, वाचन किया तो उसमें कुछ बातें समझ में नहीं आई तो उसके बारे में पूछना, क्वेश्चन करना, जिज्ञासा रखना। तीसरा है परिवर्तना, यानी उसकी आवृत्ति करना, जो वाचन सुना है और जो पूछा है वो जितना ज्ञान है उसके वापस दोहराना, परिवर्तन करना, परिवर्तना करना, उसका रिविजन करना। चौथा भेद है अनुप्रेक्षा, उस पर चिंतन मनन करना, ये बात क्यों कही गई होगी, क्या ये बात मेरे जीवन में लागू होती है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या मेरे जीवन में इस प्रकार से कुछ ये लाभ पहुंचा सकती है बात, मैं अपने किन किन दोषों का निराकरण इससे कर सकता हूँ, इस प्रकार का अनुप्रेक्षा करना। अनुप्रेक्षा बहुत बड़ा स्वाध्याय का एक रूप है, अनुप्रेक्षा होनी चाहिए। हम केवल जो पढ़ते हैं उसको स्मरण रख लेते हैं कि ये बात सही है, अनुप्रेक्षा नहीं करते तो वो हमारे लिए लाभकारी नहीं होता और दूसरों के लिए भी नहीं होता। अनुप्रेक्षा करने पर बातें बहुत गहराई से समझ में आती हैं। तो चौथा वेद अनुप्रेक्षा है।
और पांचवा है धर्म कथा। धर्म कथा का मतलब जो हमने जैसा समझा है वो दूसरों को समझाना, तब धर्म कथा होनी चाहिए। धर्म कथा यानी दूसरों को कहना समझाना। तो ये पांच प्रकार है स्वाध्याय के, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। इन पांच प्रकार के स्वाध्याय के द्वारा क्या होता है, इनके संबंध में भी प्रश्न किए गए भगवान से और भगवान ने उत्तर दिए हैं उत्तराध्यान सूत्र के 29वें अध्याय में। जैसे पूछा गया कि वाचना से क्या होता है, तो वाचना के दो रूप मैंने मैं बता देता हूं आपको। वाचना जो कई परंपराएं हैं, साधु जो हैं वो वाचन करते हैं और दूसरों को भी सुनाते, अपने जो पास में बैठे हुए शिष्य समुदाय भी सुनता है, फिर उसकी व्याख्या भी वो करते हैं, तो ये वाचना है। और कुछ श्रावक भी वहां बैठ जाते हैं, वो भी सुनते हैं, तो ये वाचना है। पर स्वयं पढ़े तो भी वाचना है, स्वयं अगर अध्ययन करता है तो भी वाचना है। तो वाचना का रूप एक स्वाध्याय का रूप है। तो इससे क्या लाभ होता है, तो बताते हैं कि वाचना से निर्जरा होती है, कर्म की निर्जरा होती है। और यही नहीं, जो तीर्थंकर का आलंबन लेता है, तीर्थंकर के धर्म का आलंबन लेता है, उसकी महानिर्जरा होती है, महापर्यवसान होता है। बहुत बड़ा लाभ बता दिया कि वाचना से भी निर्जरा होती है कर्मों की। अब ये तो कह दिया, लेकिन ये अनुप्रेक्षा करने पर और हमारे जीवन में ये प्रवेश कर जाए, अनुभव में आ जाए, तब हमारे हम मानेंगे कि ये बहुत सच्ची बात कही है। पर इस स्तर पर हम नहीं पहुंचते, हम तो केवल शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं कि हाँ निर्जरा होती है, सका है। अगर होती कैसे है, ये अनुभव में आना चाहिए। दूसरा जो भेद है वो है पृच्छना। पृच्छना का अर्थ है पूछना, समझने के लिए पूछना, कोई बात समझ में नहीं आई, क्या अर्थ है, क्या बात कहना चाहते हैं, मेरे को ठीक से समझ में नहीं आई है, तो गुरुजन उसको स्पष्टीकरण करते हैं। तो पृच्छना होने से क्या होता है, तो पृच्छना भी कर्मों की निर्जरा में सहायक बनती है, ज्ञानावरण कर्म का क्षय उससे होता है, और साथ में उससे कांक्षामोहनीय कर्म का भी क्षय होता है। या कांक्षामोहनीय कर्म क्या है, एक प्रकार से दर्शनमोहनीय का ही रूप है, तो दर्शनमोहनीय कर्म भी उससे समाप्त होता है। और दर्शनमोहनीय कर्म जाएगा तो दर्शन की यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए भी ये स्वाध्याय जरूरी है। पृच्छना से दर्शनमोहनीय दृष्टि ठीक हो जाएगी तो कांक्षामोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है, तो दृष्टि ठीक हो गई। तो वाचना पृच्छना में पहुंचने ही दृष्टि ठीक हो जाती है, तो ज्ञान सीख हो जाएगा। फिर परिवर्तना से क्या होता है, बार बार दोहराने से क्या होता है, तो बार बार दोहराने से व्यंजन लब्धिम उपाय। पहले तो व्यंजनों का ज्ञान करता है, यानी अक्षर, एक अक्षर अगर उसको ध्यान में आ जाता तो पूरा शब्द याद हो जाता। एक अक्षर कहा तो का से कांक्षा जैसे शब्द, कंखा कैसे कंखा, ऐसे कंखा मोहनिज्जम, कंक कहते कंखा मोहनिज्जम, समझ जाएगा। ऐसे एक शब्द से उस पूरे पद को, एक अक्षर से पूरे पद को जान लेता है, ऐसे एक शब्द से पूरी गाथा को समझ लेता है, पूरी गाथा का समझ में आ जाएगा, तो पूरी गाथा का स्मरण हो जाएगा। ऐसा होता भी है, एक अक्षर बोलो तो पूरा शब्द, और यही नहीं बल्कि पूरी गाथा भी बोली जा सकती है। एक अक्षर प्रारंभ का कभी कभी याद नहीं आता है। तो ये व्यंजन लब्धि बार बार दोहराने से, उस गाथा को बार बार दोहराएंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये व्यंजन लब्धि प्राप्त हो जाती है। ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। फिर चौथा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या है, चिंतन करना, चिंतन मनन करना, और चिंतन मनन उस वाक्य का भी करना और अपने जीवन के साथ जोड़कर करना, ये अनुप्रेक्षा हो। तो इस अनुप्रेक्षा के द्वारा क्या होता है, तो कहते हैं कि अनुप्रेक्षा से आयु कर्म को छोड़कर बाकी जो सात कर्म है, उन सात कर्मों का जो सघन बंध है, इंटेंसिव जो बॉन्डिंग है, वह कम हो जाती है, शिथिल हो जाती है, लूज बॉन्डिंग हो जाती है, यानी वो सात कर्म बहुत ढीले पड़ जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं आयु कर्म को छोड़कर। और यही नहीं, उन कर्मों की स्थिति कम हो जाती है। मान लीजिए किसी की 1 करोड़ सागरोपम थी तो वो 50 करोड़ रह जाएगी, नहीं सॉरी 5 आधा करोड़ रह जाएगी, और उस उतनी है तो हो सकता है लाखों में ही रह जाए और भी कम हो जाए। तो जो स्थिति है कर्मों की, सात कर्मों की, वो स्थिति घट जाती है, बहुत बड़ा लाभ है। और यही नहीं, जो उनकी भोगने की तीव्रता थी वो भी मंद पड़ जाती है। अनुप्रेक्षा क्या कर देती, कमाल,
कि अनुप्रेक्षा के द्वारा जो कर्मों की स्थिति थी वो घट जाती है और वो जो फल देने की शक्ति थी वो भी घट जाती है। तो फलदान शक्ति घट गई, स्थिति घट गई और प्रदेश भी घट जाते हैं, ऐसा कहते हैं बहु प्रदेश से अल्प प्रदेश हो जाता है, कितना बड़ा लाभ है। तो सात कर्मों का क्षय करने में स्वाध्याय में अनुप्रेक्षा बहुत बड़ा साधन बता दिया भगवान। तो कर्मों की निर्जरा करने में स्वाध्याय, क्योंकि आभ्यंतर तप है और आभ्यंतर तप का रूप अनुप्रेक्षा में तो आ ही जाता है, तो अनुप्रेक्षा करेंगे तो सारे कर्मों का क्षय करने में आयु कर्म को छोड़कर ये साधन बन जाएगा और जो चौरंत संसार है वो संसार भी सीमित हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, तो हमारा भ्रमण रुक जाएगा, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म कथा से क्या होता है कि जो प्रवचन की प्रभावना होती, प्रवचन क्या है, जिनवाणी, भगवान की जो वाणी है वो प्रवचन है, तो भगवान की वाणी की प्रभावना होती है, भगवान ने जो कहा है भगवान की वाणी सर्वत्र पहुंचती है, उसकी प्रभावना होती है और वह प्रभावना जो उसको सुनता है तो उसको लाभ होता है। तो धर्म कथा से प्रवचन की प्रभावना, प्रवचन का महत्व बढ़ता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं, उनको भी लाभ होता है, तो इससे भी लाभ हुआ और निर्जरा भी होती है। इस तरह से जो स्वाध्याय के पांच भेद हैं, ये पांच प्रकार हैं, पांच स्टेप्स हैं, ये पांच स्टेप से बड़ा लाभ होता है। फिर स्वाध्याय करने वाला ज्ञानार्जन करता है तो उसमें कहा कि भाई कोई ऐसे बाधक तत्व भी हैं क्या जिनसे ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है, तो कहा पांच ऐसे बाधक तत्व हैं, अह पंच ही ठाणे ही जही शिक्षा न लभई, जिनसे शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है। थम्भा यानी अहंकार, अहंकार बाधक है ज्ञान प्राप्ति में, जो अपने को बड़ा मानता है वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। कोहा क्रोध भी जिसको होता है वो भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, बात बात में चिड़चिड़ापन क्रोध, तो अहंकार क्रोध ही बाधक तत्व है स्वाध्याय से होने वाले लाभ को प्राप्त करने में, ज्ञानार्जन करने में। तो थम्भा कोहा पमायणम प्रमाद, प्रमाद में सारी चीज आ जाती है, सुख भोग की प्रवृत्ति भी प्रमाद ही है, सुख सुविधाओं में जीने की आदत बन जाती है, प्रमाद है, तो प्रमाद। और चौथा बताया जो बाह्य कारण है दो, यानी रोग, रोग भी एक कारण है, रोग में व्यक्ति चाहते हुए भी स्वाध्याय नहीं कर पाता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि रोग, रोग पे ध्यान चला जाता है उसका, बार बार उसी पर ध्यान जाता है तो बल घट जाता है उसका, शक्ति घट जाती है, शारीरिक शक्ति घटती है, सीधा आत्मबल भी घट जाता है, तो इसलिए शरीर का भी कितना महत्व है। इसलिए कहा है ना, पहला जो है धर्म का साधन शरीर बनता है, तो शरीर ठीक रहेगा तो आप धर्म साधना कर सकते हैं, तो शरीर ठीक नहीं रहे तो मन तो ठीक रहे और मन ठीक रहे तो भी कर सकते हैं, पर मनो ही रोग हो जाए, मन में विकलता आ जाए, मन को ही कमजोर बना ले तो फिर बहुत मुश्किल है, इसलिए रोग भी बाधक है। और आलस्य, आलस्य बाधक है, अवसर मिला है लेकिन हम लाभ नहीं उठाना चाहते, अपने आप को जड़ बनाए रखना चाहते हैं, तंद्रा में रहना चाहते हैं, तो आलस्य भी एक बाधक कारण है, ये पांच बाधक कारण है। और कुछ साधक कारण भी हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कहा है अहस्सिरे, एक तो कि हम अधस्सिर यानी विनीत भाव रखें, विनयशील रहें, और दूसरा इस अधस्सिर का एक और अर्थ होता है हंसी मजाक ज्यादा नहीं करें, हास्य में नहीं रहें, गंभीरता से लें उसको, तो अहस्सिरे। सयादंते, और सदा अपने को दांत बना करके रखें, दांत का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके रखें, जो अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, मन को नियंत्रित रखता है वो ज्ञान प्राप्त करता है, जो इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता वह ज्ञान नहीं सीख पाता और भीतर के ज्ञान को भी प्रकट नहीं कर पाता। तो अहस्सिरे सयादंते, इसके साथ कहा जो अति लोलुप होता है, अति लोलुप होता है विषय वासनाओं के प्रति या किसी लोभ लालच में फंसा होता है वो भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। और अहस्सिरे सयादंते, और इसी तरह से कहा जो ना सीले विशीले
जो शील युक्त नहीं है, सच्चा आचरण नहीं है या गलत आचरण वाला है, वो भी ज्ञान नहीं सीख पाता है। और जो क्रोधी, जो अक्रोधी होता है, क्रोध नहीं करता है, वो सीख सकता है। जो क्रोधी नहीं होता है वो सीख सकता है, और जो गलत आचरण वाला नहीं है वो सीख सकता है, सदाचारी है वो सीख सकता है। ऐसे ही जो सत्य में रत है वह सीख सकता है। इस तरह से कुछ कारण जो साधक कारण है, विनयशील होना है और क्रोध रहित होना है, सत्य की आस्था रखने वाला है, विनयशील, ये सब गुण जिसके होते हैं वह ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। तो ज्ञान की प्राप्ति में ये साधक कारण है। तो साधक कारणों को अपनाते हुए, बाधक कारणों को छोड़ते हुए, स्वाध्याय के पांचों भेदों को जब कोई आचरण करता है तो वह अपने अनेक यानी कर्मों, सात कर्मों का क्षय करने में समर्थ होता है और ज्ञानावरण कर्म का विशेष रूप से क्षय करता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको। तो स्वाध्याय का यह इतना बड़ा महत्व है, ऐसे स्वाध्याय के लिए ही भगवान महावीर ने बहुत जगह उल्लेख किया और साधु की दिनचर्या में भी किया है और श्रावक के लिए भी स्वाध्याय को आलंबन बताया है। तो हम जितना स्वाध्याय करें, क्योंकि हमने जो व्यावहारिक ज्ञान सीखा है, आजीविका का ज्ञान है या व्यावहारिक ज्ञान है, वो भी अध्ययन करके सीखा है। तो अध्ययन करके उसको सीखा है, जिसको सीखेंगे जो आत्मा का ज्ञान है, तो आत्मा का ज्ञान करने के लिए भी आत्मा पर ध्यान होना देना होगा। तो हम दो तरह से स्वाध्याय कर सकते हैं, इसकी चर्चा की गई। और स्वाध्याय पर पूरी भारतीय परंपरा बल देती है, जैसे उपनिषदों में भी कहा है, स्वाध्यायात् न प्रमदितव्यम्, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय का समय होने पर स्वाध्याय करना चाहिए, एक निश्चित समय बना लें, चाहे आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, पर यह बहुत कम होता है, आधा घंटा, एक घंटा हो, और सामायिक में करें तो बहुत अच्छा है। तो सामायिक में जो 48 मिनट की होती है उसमें स्वाध्याय करें तो उसमें एकाग्रता ज्यादा बन सकती है, और उसमें क्योंकि हम एक समय के लिए अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं कि हमको कहीं उठ के जाना नहीं है, बीच में कोई फोन उठाना नहीं है, तो स्वाध्याय ठीक से हो सकता है। तो स्वाध्याय करने से इतना सारा लाभ बताया गया है, जीवन में जो जितना अपनाएगा वो उतना फल प्राप्त कर सकता है। पर ये बात जरूर है कि अपनी विचारधारा को सम्यक बनाने के लिए, अंधकार ज्ञान के, अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए स्वाध्याय को उपाय बनाना चाहिए, स्वाध्याय को अपनाना चाहिए। जो स्वाध्याय को अपनाता है वह मोक्ष, क्या दुखों का विमोक्ष कर सकता है, समस्त दुखों का क्षय कर सकता है। इस तरह से स्वाध्याय के एक तो बाह्य रूप है सत्साहित्य का स्वाध्याय, और दूसरा आंतरिक रूप है जिसे स्वयं का अध्ययन करना, अनुप्रेक्षा में स्वयं का अध्ययन हम कर सकते हैं, और ये ध्यान की ओर ले जाता है, अनुप्रेक्षा जो है ध्यान का भी आलंबन बनता है। तो स्वाध्याय ध्यान ये जुड़ जाते हैं परस्पर, इसलिए ये भी कहा है नाणीण झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान सिद्ध होता है, कुंदगुंदाचार्य कहते हैं ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। तो ज्ञान होगा तो ध्यान होगा, ज्ञान में जब एकाग्रता होगी तो वो ध्यान हो जाएगा। तो ध्यान, ध्यान तक पहुंचने के लिए भी स्वाध्याय आवश्यक, और ये आभ्यंतर तप है, ये केवल बाह्य तप नहीं है, तो इससे निर्जरा तो होगी ही होगी। जो 6 भेद हैं आभ्यंतर तप के, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, फिर स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये 6 भेद हैं। तो स्वाध्याय आभ्यंतर तप है और इसको मामूली नहीं मानना चाहिए। अनशन तप का तो महत्व हम समझते हैं, पूरे 8 दिन की तपस्या की है, और एक मास खमण तप किया है उसका तो महत्व हम समझते हैं, जिसमें कुछ आहार नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्वाध्याय का महत्व हम उतना नहीं आंकते, पर स्वाध्याय का महत्व उससे भी बढ़कर है, इसलिए इसको वेटेज दिया जाना चाहिए। और स्वाध्याय की जितनी प्रवृत्ति बढ़ेगी निष्ठा के साथ, स्वाध्याय की पात्रता मान लीजिए आप, 3 प्रकार की पात्रता, एक तो हमारी उसमें श्रद्धा हो, दूसरा उसमें लगन हो, निष्ठा हो, और तीसरा उसमें हम निंदा आलोचना आदि से बचें, और जो अर्थ सही लगे उसको ग्रहण करें, जीवन के लिए जितना हमारे लिए काम आने वाली बातें उनको ग्रहण कर लें, बाकी को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हमको सारी बातें समझ में आएंगी। और कई टेक्निकल शब्द इस प्रकार के हैं कि ज्यादा व्याख्याएं उसकी की नहीं गई है, शब्द डाल दिए गए हैं, तो उनको ठीक से समझना भी कठिन हो जाता है, और कुछ कई जटिलताएं भी आ गई हैं जैन दर्शन में, जिनमें जटिलताओं में जो टीकाएं हैं और शास्त्र के जो कई रूप हैं
वो बौद्धिक रूप से जटिल हो गए हैं व्याख्याओं में, लेकिन जीवन की बात समझनी हो तो बहुत सरल है, वो बहुत थोड़ी है। तो जीवन बनाने के लिए तो स्वाध्याय क्या है, हमको रोज अगर स्वाध्याय करते हैं तो संबल मिलता है, एक खुराक मिलती है, टॉनिक मिलता है, और रोज जब मिलता है तो हमको हमारे जीवन में जो आने वाली दिक्कतें वो अपने आप दूर हो जाती हैं, हमारा चित्त ठिकाने रहता है, हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, क्रोध से मान से इनसे बचने के लिए भी स्वाध्याय अपने को निरंतर टॉनिक देता रहता है, गाइड करता रहता है। इस दृष्टि से स्वाध्याय का बड़ा महत्व है, और पर्युषण में अगर हम इसको प्रारंभ कर सकें, जो नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं तो वो तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो वो प्रारंभ कर सकते हैं। अब प्रश्न उत्तर का समय है, थोड़ी सी देर जो करना चाहें, अभी 4 मिनट हैं, प्रश्न कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सुरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हो लेकिन आप म्यूट हो। Can you hear me now? जी Jesus. Can you hear me? Yes, सुरेंद्र जी अभी आपकी आवाज आ रही है। आज आपने आचार्य अस्थी मुनि का वर्णन किया, अच्छा लगा। जी जी अच्छा अच्छा, हाँ वो प्रासंगिक था, उन्होंने बहुत जोर दिया स्वाध्याय पर इस दृष्टि से, और कई भजनों की रचना की है उन्होंने स्वाध्याय को लेकर के, और अलग जगाया लोगों में, इसलिए मैंने उनका उल्लेख किया। वो समय को भी सामायिक स्वाध्याय दोनों का कहा उन्होंने, सामायिक और स्वाध्याय, गुरुहस्ती के दो फरमान, सामायिक स्वाध्याय महान, ऐसा स्लोगन है, तो सामायिक पर भी बल दिया है, पर मैंने अभी स्वाध्याय की चर्चा की है, आज उसी विषय को इंगित किया है। और भी संतों ने स्वाध्याय को महत्व दिया है, लेकिन उन्होंने प्रारंभ में ज्यादा महत्व दिया, एक पन्ना लाल जी महाराज भी उन्होंने भी दिया था, पर आचार्य हस्ती ने ज्यादा दिया, इसलिए उनका नाम लिया गया है, उसके बाद में और भी देते हैं। और किसी का कोई हम लोग इतना इंफ्लेट करते हैं अनशन पे, उपवास करो, दैट्स द बेस्ट जी, बट वी अदर थिंग वी कैन डू लाइक समबडी, देखिए उपवास जितना जिसका सामर्थ्य है ना वो करे उपवास, उपवास करना अच्छा है, पर कभी कभी क्या होता है शरीर में सामर्थ्य नहीं होता और आदमी बिस्तर पर लेटा रहता है और तप करता रहता है, तो उसका उसका कितना औचित्य है ये विचार करना चाहिए उसको, अगर स्वयं को लाभ लग रहा है कि भी मेरे को वास्तव में बहुत लाभ हो रहा है, आत्मा को लाभ हो रहा है, वो स्वयं अनुभव करता है तब तो आगे बढ़े, नहीं तो लाभ का अनुभव भी नहीं हो रहा है, केवल कष्ट का अनुभव हो रहा है, तो ऐसी तपस्या करने की बजाय आभ्यंतर तप को भी अपनाया जा सकता है। स्पेशली जो सीनियर सिटीजंस हैं, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, और यूथ, दे कैन फास्ट फॉर 8 डेज। जी जी, जो जो जिस रूप को अपना सके उसको अपनाना चाहिए, पर वो थोड़ा ये कर सकते हैं जो सीनियर सिटीजन है, वो अल्प मात्रा में यानी उनोदरी तक कर सकते हैं, अनशन नहीं करे तो उनोदरी कर लें, उनोदरी का मतलब है भूख से कम खाना, और वो उनके लिए अच्छा भी रहेगा। जैसे मान लीजिए 3 रोटी की भूख है तो 2.5 खाए, 2 की भूख है तो 1.5 खाए, 2.25 खाए, थोड़ी सी कम खाए तो ये भी तप है, उससे क्या चित्त में जड़ता नहीं आती, शरीर में भी जड़ता नहीं थी, आलस से कम आएगा और शरीर सक्रिय रहेगा, ये भी तपस्या आभ्यंतर तप में सहायक बन जाती है। पर हम लोग पोल्यूशन में साधु लोग सब इंपोर्ट देते हैं, इंतन करो, और जो अच्छा ही करते हैं उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, कुछ अच्छा ही कर ली,
मास कम्युनिकेट जाए। अब ये तो देखिए क्या है, जो विजिबल चीजें है ना, जो दिखती है, दृश्य है, उनको ज्यादा महत्व मिल जाता है। अब भीतर कोई साधना कर रहा है हम उसको नहीं जानते, पर बाहर जो कर रहा है वो दिखता है, उसी को महत्व मिलेगा, हमारे को वही मालूम है। तो जो ज्ञात है उसी की बात कही जाएगी, क्योंकि वो भी मुश्किल है। जो ज्ञात है वो भी मुश्किल है, क्योंकि इतने दिन की तपस्या करना कोई आसान काम नहीं होता है। उसमें भी शरीर के प्रति जिसकी आसक्ति कम हो गई है वो कर सकता है, और जो शरीर के प्रति ममता को कम कर सकता है, अगर ये भी लाभ हो जाए इस तपस्या के साथ, तो भी बड़ा लाभ है कि जिसके शरीर के प्रति ममता टूट गई है, आसक्ति टूट गई है, वो तपस्या कर रहा है, या ऐसी तपस्या करने से ये आसक्ति टूट गई है तो भी अच्छा है, पर ऐसा होता हो तो अच्छा है। पर इसके बदले में ये चाहना कि मुझे प्रशंसा मिले, प्रशंसा की इच्छा हो, लोग मेरे को पूछें और साता पूछने आए, इस तरह की इच्छा जब पैदा होती है तो फिर वो लोक में ही चला जाता है, लोकेशना से जुड़ जाता है। एनीबडी एल्स? जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। विनीत जैन बोल रहा हूँ। हाँ विनीत जी, पहले भी एक दिन आपने पूछा था। हाँ बोलिए। जैसे अपने 32 आवश्यक सूत्र हैं जैन धर्म में, 11-12। हाँ 32 आवश्यक नहीं, 32 आगम। 32 आगम। उसमें जैसे 11-12 उपंग बहुत डिटेल में बहुत सारे हैं, तो सीक्वेंशियल अगर हम देखें जो कौन सा, मतलब अगर हम पढ़ना चाहें तो इजी से डिफिकल्ट तक आप थोड़ा सा अरेंज बता सकते हैं कि आपके विचार के हिसाब से कि देखिए ऐसा है, आप एक तो पढ़ सकते हैं उत्तराध्ययन सूत्र और दूसरा उपासक दशांक सूत्र, तीसरा दशविकालिक, चौथा प्रश्न व्याकरण। तो इसमें मतलब उत्तराध्ययन तो बहुत फेमस है कि भाई वो बड़ा है, पर उसको पढ़ सकते हैं आप। उपासक दशांक में श्रावकों का वर्णन है, तो उसको पढ़ सकते हैं। हाँ जी। लेकिन ऐसा है, 32 जो आगम है वो स्थानकवासी और 13 पंथ परंपरा में है, मूर्ति पूजक परंपरा में 45 आगम है, और 84 तक भी संख्या जाती है। जी। दशावदाशिक भी आपने बताया। दशवेकालिक में तो साधु की चर्या है। देखिए आगम को पढ़ने से साधु की चर्या का भी ज्ञान होता है और श्रावक की चर्या का भी ज्ञान होता है। तो साधु की चर्या को अगर हम ठीक से जानते हैं तो साधु भी श्रमणाचार का ठीक से पालन कर सकते हैं, हम उनके पालन में सहयोगी बन सकते हैं, और वो भी शिथिल होने से बच सकते हैं। इसलिए भी हमको श्रमणाचार का ज्ञान करना चाहिए आगमों को पढ़ करके, ताकि उनकी पालना में हम सहायक बने। जी। और ये जो 12 उपंग हैं तो वो और इसके नेक्स्ट लेवल होता है 12 उपंग का, ऐसा है। देखो ये हम नेक्स्ट लेवल नहीं कह सकते, उपांग भी कुछ तो सरल ही हैं जी, जैसे औपपातिक सूत्र है, सरल है, और राजप्रश्न सूत्र है, राजप्रश्न तो इसमें, हाँ राजप्रश्न भी सरल है, जीवा जीवा भिगम जीव और अजीव के बारे में है जी। प्रज्ञापना सूत्र थोड़ा बड़ा है, विस्तृत है, जैसे भगवती वैसे प्रज्ञापना है। नहीं अगर देखा जाए तो कितना डिटेल में है ये सारा का सारा। जैसे आप किसी एक को पढ़ना प्रारंभ कीजिए, पहले किसी एक आगम को पढ़ना प्रारंभ कीजिए, उत्तराध्ययन को कर दीजिए, उत्तराध्ययन सूत्र से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो समापन किया जाए। गुरु भगवंतों की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तु धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तु धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंती शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पंडतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणा, दुख शरणा और अन शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित अक्षय मत। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।
जय जिनेंद्र एवरीवन, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग.